हेलो, मैं ऑल लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज क्लास टू का चैप्टर टू कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। इसके पहले मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है चैप्टर टू का नेम क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, और उसके बाद मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, ये सारा डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में कर चुकी हूँ मैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, क्लास टू का प्लेलिस्ट अलग है, आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा। और आप लोग का कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, एक एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज है माउस, आज हम जानेंगे माउस के बारे में। पहले माउस का फिगर देख लो आप लोग, ये है वायर माउस और ये है वायरलेस। ठीक है, आज के टाइम में वायरलेस माउस भी, इसमें देखिए वायर नहीं है। ठीक है, ये आपका वायर्स, इसमें वायर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं क्या है माउस, कैसे वर्क करता है। अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट यूजुअली हैज़ बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील इन द मिडल। इसमें क्या होता है, यूजुअली बटन्स होती हैं और एक स्क्रॉल व्हील, एक व्हील होता है, ये जो बीच में है ना, ये देखिए ये आपका माउस का व्हील है और ये साइड साइड में ये दोनों लेफ्ट और राइट बटन होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू पॉइंट एट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, जो स्क्रीन होती है मॉनिटर, मॉनिटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसे कहते हैं ना मॉनिटर। पे क्या करता है, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने का, सेलेक्ट करने के काम आता है। एरो घूमता रहता है ना आपके सीपीयू पे, ऐसे एरो बनी रहती है। ठीक है, कुछ इस टाइप की बनी रहती है, ऐसे है ना। चलिए, इट इज़ आल्सो यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। इससे हम पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। द माउस वर्क्स बेटर व्हेन इट इज़ केप्ट ऑन अ माउस पैड। माउस और अच्छा वर्क करता है अगर इसे माउस पैड पे रख देते हैं। आप देखते होंगे अक्सर ऑफिसेज वगैरह में एक छोटा सा पैड होता है जिसके ऊपर माउस रख के मूव करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं माउस पैड। ठीक है, अ वायर्ड माउस कैन बी कनेक्टेड टू अ सीपीयू बॉक्स। ये जो वायर्ड माउस है, मतलब जिसमें वायर लगा हुआ है, वो किससे कनेक्टेड होता है, सीपीयू बॉक्स से। ठीक है, नाउअडेज वायरलेस माउस आर आल्सो अवेलेबल। आज के टाइम में वायरलेस माउस भी अवेलेबल है, जैसे कि ये है। ठीक है, ये आपका होगा वायर्ड माउस और ये हो गया वायरलेस। चलिए आगे देखते हैं, अब है आपका अदर यूजफुल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अन्य जो पार्ट हैं, जो यूज़फुल पार्ट हैं, जो उपयोगी हैं, जिनका उपयोग है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हैं सबसे ज़्यादा क्या है, माउस है आपका और कीबोर्ड है, सीपीयू है, ये सब मॉनिटर है, ये क्या है मेन पार्ट है। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, ये है मेन पार्ट कंप्यूटर का। अब देखते हैं अदर यूज़फुल पार्ट्स, क्योंकि सिर्फ इन्हीं से, इन्हीं फोर पार्ट से तो काम होता नहीं है माउस कंप्यूटर का, उसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, बिसाइड्स द फोर मेन पार्ट्स देयर आर मेनी अदर हेल्पिंग पार्ट्स विच आर अटैच टू अ कंप्यूटर। जो फोर मेन पार्ट्स है, जो चार मुख्य पार्ट्स हमने देखा, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, इसके अलावा भी कई हेल्पिंग पार्ट्स होते हैं माउस में, जो सॉरी कई हेल्पिंग पार्ट होते हैं कंप्यूटर में, जो कि किससे, कंप्यूटर से अटैच होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला है प्रिंटर। अ प्रिंटर हेल्प्स अस टू प्रिंट द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करने में हेल्प करता है, जो भी कंप्यूटर पे काम हो गया रहता है, जो भी वर्क डन हो जाता है, उसको प्रिंट कर से किया जाता है, प्रिंटर से। द प्रिंटेड पेपर इज़ नोन एज द प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड पेपर होता है उसे हम दो नाम से जानते हैं, या तो हम कहते हैं प्रिंट आउट या कहते हैं हार्ड कॉपी। हम कहते हैं ना इसका प्रिंट आउट करा लेते हैं, आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट हो गया, ठीक है, आपकी बुक हो गई, प्रिंट आउट करा लेते हैं, तो उसे हम प्रिंट आउट भी कहते हैं और हार्ड कॉपी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। ये है आपके, देखिए प्रिंटर्स के टाइप्स हैं, ये है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये है लेज़र प्रिंटर, ये है इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, ये लेज़र प्रिंटर जो ऐसे नहीं प्रिंट होता है, एक लाइट आती है और प्रिंट हो जाता है। ठीक है,
इंकजेट प्रिंटर, इसमें इंक डाली जाती है जिससे ये प्रिंट हो, पेज प्रिंट होता है, ठीक है। और ये एक आपका है मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो आप लोग। ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, और ये है आपका इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। चलो इसके बारे में जानते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटर ऑन द मार्केट, मार्केट में कई तरीके के प्रिंटर अवेलेबल हैं, ठीक है। सम प्रिंटर्स कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट ओनली, वाइल कम कैन प्रिंट इन कलर। कुछ जो प्रिंटर हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करते हैं और कुछ किस में, कलर्ड में, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब है आपका नेक्स्ट स्कैनर। ये है आपका स्कैनर, ठीक है, ये जो मशीन है इसे हम कहते हैं स्कैनर। देखते हैं इसका यूज़ क्या है। अ स्कैनर डज द अपोजिट वर्क ऑफ अ प्रिंटर, स्कैनर क्या करता है, प्रिंटर के अपोजिट काम करता है। अपोजिट काम करने का मतलब क्या हुआ, देखते हैं। इट कॉपीज द वर्ड्स एंड पिक्चर्स फ्रॉम पेपर ऑन टू कंप्यूटर, ये क्या करता है, जो पेपर होता है उसके जो कॉपीज द वर्ड्स, उसकी जो पिक्चर्स होती है उसे कॉपी करके किसे, कंप्यूटर को देता है, ठीक है। और ये जो आपका प्रिंटर है, ये जो आपका प्रिंटर है ये क्या करता है, कंप्यूटर पे जो काम डन हो गया रहता है उसे प्रिंट करके बाहर एक हार्ड कॉपी, ये देखिए बाहर निकल रही है ना प्रिंट होके, ये है आपकी हार्ड कॉपी, ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर में जो काम हो गया रहता है उसे हम प्रिंट आउट करके बाहर निकाल लेते हैं, उसे प्रिंट आउट कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। और स्कैनर क्या कहता है, करता है, जो भी हम कॉपी या प्रिंट आउट, जो भी हम कॉपी लेके जाते हैं, जो भी हम पेज लेके जाते हैं जिसका हमें स्कैन करना रहता है, उसको क्या करता है, उसका जो मैटर रहता है उस पर जो लिखा रहता है, जो भी फिगर होता है, उसको स्कैन करके कॉपी करके कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसलिए स्कैनर अलग है प्रिंटर से। चलिए अब देखते हैं, अब आ गया आपका स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। इसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, है ना, म्यूज़िक सुनते हैं आप लोग बहुत। वी यूज़ स्पीकर्स एंड हेडफोन्स टू लिसन टू साउंड्स एंड म्यूज़िक ऑन अ कंप्यूटर, हम स्पीकर और हेडफोन का यूज़ क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनने में कंप्यूटर पे, ठीक है। साउंड्स फ्रॉम द स्पीकर्स कैन बी हीयर्ड बाई एवरीवन, ये जो ये देखिए आपका स्पीकर है, स्पीकर से जो आवाज़ आती है, ठीक है, उसे हर कोई सुन सकता है, ठीक है। स्पीकर बजता है ना डीजे, इतने साउंड्स लगे होते हैं, ठीक है, जब आपको फुल वॉल्यूम में सॉन्ग सुनना होता है, पार्टी करनी होती है, तो स्पीकर का यूज़ करते हैं ना। When we use headphones, we are the only ones who are able to hear the music. ये है आपका हेडफोन। जब हम हेडफोन यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ सिंगल, हम अकेले उसको सुन सकते हैं, कोई और उस म्यूजिक को नहीं सुन सकता है। ये हेडफोन्स एक ही लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और स्पीकर अगर चालू लगा देंगे तो स्पीकर से जो साउंड निकलेगा उसे हर कोई सुन सकता है। दिस वे अदर्स डू नॉट गेट डिस्टर्ब, हेडफोन से क्या होता है, कोई और डिस्टर्ब नहीं होता है। हेडफोन अगर आप लगा रहे हैं तो जो भी म्यूज़िक है, साउंड है, जो भी है आप सुनेंगे, उसे कोई और नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप स्पीकर लगा रहे हैं तो उसे हर कोई सुन सकता है, और इससे डिस्टर्बेंस भी होती है जिसको नहीं सुनना है या जिसको कुछ काम है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया स्पीकर और हेडफोन में डिफरेंस क्या है। चलिए आगे देखते हैं, अब आ गया आपका माइक्रोफोन। ये है आपका माइक्रोफोन, सी पिक्चर, ये है आपका माइक्रोफोन, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अ माइक्रोफोन इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वॉइस एंड अदर डिफरेंट साउंड्स, माइक्रोफोन का यूज़ क्या होता है, रिकॉर्ड करने में वॉइस को होता है, अलग अलग आवाज़ को रिकॉर्ड करने का काम करता है माइक्रोफोन। इट आल्सो हेल्प अस टू टॉक टू पीपल थ्रू द इंटरनेट, और ये लोगों की मदद करता है इंटरनेट के थ्रू बात करने में भी हेल्प करता है, क्या, माइक्रोफोन। आइए देखते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या है। वी कैन फाइंड अ कंबाइंड हेडफोन एंड माइक्रोफोन इन द मार्केट, दीज आर हेडसेट्स, हम हेडफोन और माइक्रोफोन को एक साथ कंबाइंड में भी मार्केट में मिलता है, जिसे हम कहते हैं हेडसेट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेडसेट, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अब क्या है, यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। इट कीप्स द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, ये है आपका यूपीएस। ये देखिए ये जो मशीन है ये क्या है,
ये जो मशीन है ये है यूपीएस, ठीक है। और ये क्या करता है, कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करता है कुछ टाइम, कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम, जब इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली चली जाती है तो ये कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है काम फिनिश करने के लिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। दिस गिव्स अस टाइम टू फिनिश एंड सेव आवर वर्क प्रॉपरली ऑन अ कंप्यूटर। ये टाइम, ये कुछ टाइम तक पावर सप्लाई करता है, काम कोई भी कंप्यूटर पे हो रहा है उसे सेव किया जा सकता है उतने टाइम में और उसे फिनिश करके सेव किया जा सकता है प्रॉपरली कंप्यूटर में, ठीक है। अगर लाइट सडनली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई सडनली, तो ये जो यूपीएस है ये पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर को, थोड़ी देर कंप्यूटर को आप चला सकते हैं, अपना काम फिनिश करके सेव कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। ये है आपका यूपीएस। अब उसके बाद है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये है आपका हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क इज नॉर्मली फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। हार्ड डिस्क नॉर्मली क्या होता है, सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स रहता है, मतलब सीपीयू बॉक्स के अंदर रखा रहता है, ठीक है, लगा रहता है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड आवर वर्क। ये प्रोग्राम को स्टोर करता है और जो भी हम काम करते हैं उसे स्टोर करता है, कौन, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। इट सेव्स आवर वर्क परमानेंटली, ये हमारे काम को परमानेंटली सेव करता है, टेम्पररी लेवल पे नहीं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसे हम कहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी या मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव को कहते हैं मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर या कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सीडी डीवीडी ड्राइव। ये है आपका सीडी डीवीडी ड्राइव, आप सबने देखा होगा, यूज़ भी किया है आप लोगों ने। और सीडी, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न करके नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा सीडी का फुल फॉर्म क्या है और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। डिस्क स्टोर आवर वर्क, ये भी हमारे वर्क को क्या करता है, स्टोर करता है। दे बोथ लुक सेम बट अ डीवीडी स्टोर मोर वर्क। ये दोनों दिखने में सेम है, डीवीडी और सीडी दिखने में सेम है, लेकिन स्टोर जो डीवीडी होता है इसमें ज़्यादा वर्क स्टोर होता है, मतलब इसकी जो क्षमता होती है स्टोर करने की वो ज़्यादा होती है। सीडी की क्षमता डीवीडी के कंपैरिजन में कम होती है। अ सीडी डीवीडी ड्राइव हेल्प अस टू रीड डेटा फ्रॉम द डिस्क। और ये जो सीडी डीवीडी है ये हेल्प करती हैं डेटा को रीड करने में डिस्क से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया आपका पेन ड्राइव। अक्सर आप ये नाम सुनते हैं, आज के टाइम में सीडी डीवीडी का ट्रेंड ख़त्म हो गया है, पेन ड्राइव का ट्रेंड है। पेन ड्राइव क्या है, जानते हैं इसके बारे में। आल्सो कॉल्ड यूएसबी फ्लैश ड्राइव, इसको सबसे पहले तो हम क्या, यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ अ वेरी स्मॉल डिवाइस दैट कैन बी यूज टू स्टोर डेटा। ये बहुत ही छोटी सी डिवाइस है जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी कैरीड इन अ पॉकेट, इसे आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं। अ पेन ड्राइव इज़ पुट इनसाइड द यूएसबी पोर्ट ऑफ द सीपीयू बॉक्स। पेन ड्राइव कहाँ लगता है, सीपीयू बॉक्स में, जो यूएसबी पोर्ट होता है, जो होता है ना प्लग करने के लिए, उसमें लगता है आपका पेन ड्राइव, ठीक है। चलिए देखते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या है। सीडी डीवीडी एंड पेन ड्राइव आर कॉल्ड पोर्टेबल डिवाइसेस बिकॉज वी कैन कैरी देम अराउंड। सीडी डीवीडी और पेन ड्राइव, ये तीनों क्या क्या, सीडी डीवीडी एंड पेन ड्राइव, इसको हम कहते हैं पोर्टेबल डिवाइस। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये हुआ आपका, बच्चों आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस आप चैनल पे विजिट करते रहिए, आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे होगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोग घर पे
ज़्यादा मस्ती मत करिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, ठीक है। और लेक्चर में कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आए, समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग का एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील दे कराता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।